अवैध अतिक्रमण कर रातों रात किया सरकारी जमीन पर कब्जा। एक तरफ योगी सरकार राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात कुछ और बयां कर रही हैं। अगर हम बात करें वीआईपी अमेठी की, तो यहां पर लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ना तो इन्हें सरकार का भय है, ना ही अधिकारियों का डर। पूरा मामला अमेठी जिला के ब्लॉक जामो के ग्राम सभा बघैया कमालपुर का है, जहां आज रात्रि 12 बजे के आसपास चोरी से सरकारी जमीन पर विजय यादव पुत्र हर्षित यादव, पत्नी कृष्णा देवी आदि लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र गौड़ के मना करने पर भी ये परिवार मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें लेखपाल और कानूनगो की, तो कॉल करने पर भी अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं आते हैं। ग्राम प्रधान ने आज एसडीएम तहसील गौरीगंज को अतिक्रमण हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। अब देखना यह है कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही होती भी है या नहीं। अमेठी से जिला संवाददाता सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये चोरी रात में 12 बजे चोरी ना आई? नहीं नहीं, आप वो भी इसमें जो है, आप जो है रात में जो है खोद रहे हो, बताइए। नहीं नहीं, आपने इतना इतना सब कब्जा कर रखा है, इतना कब्जा कर रखा है, उसमें रात में 12 बजे तुम नहीं, तुम और के करे आई, क्यों पूछो गवर्नमेंट से ली हो या का गवर्नमेंट के जमीन आए, क्यों के तू जिम्मेदार यहाँ उनके ऊपर लाइट मारो। समझो, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र गौड़, ग्राम प्रधान बघैया कमालपुर, विकास खंड जामू, जनपद अमेठी। जी प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके यहाँ से रात में ये जो वीडियो अवैध रूप से अतिक्रमण का वायरल हुआ है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान जी, हमारे यहाँ आज रात में लगभग 12 बजे से राजस्व ग्राम बघैयापुर में जो है विजय कुमार की पत्नी कृष्णा देवी द्वारा चार लोगों को लेकर के अतिक्रमण किया जा रहा था। मुझे रात में सूचना मिली तो मैं वहां पहुंचा, मैंने रोका तो नहीं मान रहे थे, फिर मैंने 112 नंबर डायल किया, 112 नंबर वाले वहां आए और उस अतिक्रमण को रुकवाए। हमारे यहां 262 और 266 नंबर सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, उस पर वो लोग पूरा लगभग एक बीघे में कब्जा किए हुए हैं। कई बार लेखपाल द्वारा बताया गया, रोका गया, लेकिन ये लोग मानते नहीं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जिले के आला अधिकारियों से चाहते हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भूमाफियाओं के चंगुल से जमीन को छुड़वाया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको बताने के लिए।